हाय, आगे सब लोग लाइक सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप सभी को इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सीबीएसई, इवन फॉर द आईआईटीज एंड नीट एग्जाम्स एज वेल। अच्छा खासा वेटेज है इसका, करीब 8 मार्क्स के आसपास 12th में आते हैं, और जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में भी इस टॉपिक में से 2 से लेके 3 क्वेश्चंस लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है, हालांकि इतना हार्ड नहीं पड़ेगा अगर आप सीरियसली बेसिक्स के साथ करते गए, और ये नहीं कि वीडियो को कभी आगे बढ़ा दिया पीछे बढ़ा दिया, आपको साथ साथ फॉलो करना है। कभी आप रुक जाइए, आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। एक सिस्टम आपको एक डेडिकेशन के साथ आपको लगना है, अदरवाइज इट विल बी कम्प्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम। ठीक है, माय नेम इज सुशील दागोर। आप सब लोग लगभग जानते होंगे, क्लास में कुछ अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बता दूं। ओके गाइस, सो वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से हमें पता लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि सर स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, तो स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों के मैं कि इसमें कुछ 2-3 तरह से चीजें हो सकती हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि सर चार्जेस रहेंगे वो रेस्ट में रहेंगे और वो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। अब या तो रेस्ट में रह सकता है, अगली चीज क्या हो सकती है कि सर ये मोशन में रहे और कॉन्स्टेंट स्पीड से चले, तो रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मोशन में रहा और कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहा तब इसमें क्या आएगा बेटा, तब इसमें और एक नई चीज ऐड हो जाती है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और तीसरा दिमाग में आपके आ सकता है वो क्या कि सर ये कांस्टेंट स्पीड से ना चल के एक्सेलरेटेड मोशन करने लगे, तो वो एक नया चैप्टर होगा आपका। उस टाइम पर ये क्या और प्रोड्यूस कर रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अपने आप में ये काफी बड़े चैप्टर्स हैं। मैग्नेटिज्म में आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हालांकि वो बड़ा चैप्टर नहीं है, वो आएगा। तो आगे 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 आने वाले आपके 2-3 महीने यही सारी चीज़ें चलने वाली हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें चलेंगी शायद आज के चैप्टर में, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे तो आगे जाके दिक्कत आएगी। तो चाहे आपको चीज़ें आती हैं नहीं आती हैं, आपको सीरियसली बेटा ये चीज़ें नोट करनी है, और जैसे आप फिजिकल क्लासेज में पढ़ते थे ठीक वैसे ही उसी डेडिकेशन के साथ इनको फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आएगा, और इवन आप किसी भी लेवल तक के क्वेश्चंस आप इनसे कर पाओगे, बिकॉज वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। ये सिर्फ वीडियो नहीं, वीडियो के अलावा भी आपको जो अदर रिसोर्सेज चाहिए हम आपको वो चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। तो एक एक करके धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हैं। एक तो मैंने कहा कि सर कि आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि सर ठीक है मैं समझ गया, तो चार्जेस की स्टडी रहेंगी, तो सर चार्ज क्या रहेगा, चार्ज के बारे में सोचिए, चार्ज क्या रहेगा, चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज एक बेसिक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, और जो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी रहती है चाहे वो टाइम ले लीजिए मास ले लीजिए, डिफाइन करने में उतना ही थोड़ा सा डिफिकल्टनेस फील होती है। तो थिंक अबाउट दिस, हाउ यू कैन डिफाइन दिस, एनी आइडिया? ओके, चार्ज को आप डिफाइन करेंगे बेटा कि सर चार्ज है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज एन एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। मतलब किसी बॉडी के ऊपर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं या कितने कम इलेक्ट्रॉन हैं वो सर उसका चार्ज रहेगा। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगी, यूनिट ऑफ चार्ज रहेगी कूलाम। ठीक बात, यूनिट ऑफ चार्ज रहेगी कूलाम, और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहेगी इसकी, इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज को मेजर करने का जो तरीका रहता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है कि कितने कम है कितने ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन। अब किसी के दिमाग में आ सकता है, किसी ने कोई बुक पढ़ ली हो कि सर उससे भी कम होता है क्वार्क, तो बेटा मैं आपको बता दूं क्वार्क एक अनस्टेबल पैरामीटर है, स्टेबल होता है वो इलेक्ट्रॉन ही रहता है, इसलिए हम
उसको कंसीडर नहीं करते हैं, वो एक मोमेंटरली कुछ क्षण के लिए उस पर वो एग्जिस्ट कर सकता है, उस पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता है। क्वार्क्स की का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता दूँ, दैट इज प्लस माइनस ई बाई थ्री और प्लस माइनस टू ई बाई थ्री, ठीक है। बट ये स्टेबल नहीं होते, कम तो होता है बट दैट इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो आपको चार्ज की कुछ बेसिक चीज़ें पता लगें कि सर वो चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, चार्ज का चार्ज की जो यूनिट रहती है सर ये हो गया, स्मॉलेस्ट भी हो गया, कुछ कुछ धीरे धीरे सर समझ में आने लग रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, माइनस 31 kg, नोट कर लीजिए, माइनस 31 kg, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻²⁷ मास ऑफ प्रोटॉन रहता है 1.6 × 10⁻²⁷ kg। आप लोगों को ये भी पता होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। और नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है कि कुछ ऑप्शंस आ गए कि मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, कांट से, नन ऑफ दीज, और इस तरह से। तो हालांकि दे आर ऑलमोस्ट इक्वल बट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये था आपको, आपने देखा कि हमने चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी और बेसिक चीजें यहाँ पे देखी। मैं आपको और चीज नोट करा देता हूँ जो आपको बोर्ड में काम आएंगे, उसमें आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर वन, चार्ज जे बेसिक इंट्रिंसिक, चार्ज जे बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। पॉइंट नंबर टू, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। आप सबको पता है कि सर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अगली एक प्रॉपर्टी बना सकते हो, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे आपस में, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो उसमें आप लिख लीजिए थर्ड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। मैं इसको समझाऊंगा आपको कैसे रहेगा, अभी आप थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर मैं इन प्रॉपर्टीज को आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव का मतलब होता है दैट इज टोटल चार्ज इज द एलजेब्रिक सम, टोटल चार्ज इज द एलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। टोटल चार्ज इज द एलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब होता है डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट चेंजेस विद द स्पीड, मोशन पे डिपेंड नहीं करता, मास डिपेंड करता है। आपने फॉर्मूला ध्यान होगा, रिकॉल करो, m इज इक्वल टू m नॉट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, m नॉट रहता था वहां पर रेस्ट मास। तो जब स्पीड ऑफ लाइट की कंपैरेटिवली स्पीड आपको होने लग जाएगी तो वो वाला मास कांस्टेंट नहीं रहता है, तो वो मास वेरी करने लगता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, चार्ज को नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है, और ये इनवेरिएंट रहता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। हाँ, इसमें अब मैं आपसे बात कर रहा था कि इसमें कुछ चीजें निकल के आई थी, वो मैं आपको समझा दूं कि सर एक तो रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मेरा मतलब है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल एक आइसोलेटेड आपने सिस्टम मान लिया, इस सिस्टम के अंदर एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पर आपका 2C चार्ज है, इस पर -3 कूलम चार्ज है, इस पर +3 कूलम चार्ज है, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या रहेगा कि सर +3C -3C तो 0 हो गया, तो 2C, तो इस सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज रहने वाला है दैट इज 2 कूलम। अब हमारी जो प्रॉपर्टी कहती है वो ये रहती है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, इसका ऊपर जो 2 कूलम का चार्ज रहेगा वो हमेशा वही रहेगा। हाँ, ये आपस में कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, ये -3C का चाहे 2C हो जाए, चाहे +4C हो जाए, 6C हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली ये सारे चार्जेस भी वेरी कर रहे होंगे, बट टोटल जब आप सबको अलजेब्रिक सम करोगे तो नेट उसके ऊपर 2C ही आना चाहिए, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है जब आपने इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया है। तो ये हुआ आपका बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैंने आपको एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखाई थी इसमें कि चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है, तो किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा दैट इज क्यू इज इक्वल टू +-NE, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो ई के पैकेट्स के अंदर रहेगा, ई के इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, राइट। यहाँ पर ई तो हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन और एन क्या रहेगा बेटा, एन रहेगा आपका इंटीजर, ये इंटीजर 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, लेकिन 1.5, 2.5, 1.7 ऐसे नहीं होगा। या तो किसी बॉडी के ऊपर ई चार्ज रहेगा, या 2E चार्ज रहेगा, या 3E चार्ज रहेगा, क्लियर, समझ रहे बात को, उस पर ई के पैकेट्स के अंदर ही जाने वाला, ये उन्होंने फिक्स कर दिया, क्वांटाइज्ड कर दिया, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ई के हिसाब से बना है कि आप ई के हिसाब से, ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही उसको आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं, ठीक है। मास स्पीड पर डिपेंड करता था, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें आपने देखी, ठीक है। नेक्स्ट हम चीजों को आगे बढ़ाएं, अब आप हम देखेंगे, देखो इसमें कुछ थियोरेटिकल सी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा कि सर इसमें मेथड्स ऑफ चार्जिंग कर दें, चार्ज कैसे करोगे, तो वही सबको पता है, 10th क्लास में भी आपने देखा था कि सर चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, वो बहुत बड़ी और बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आपको वो चीज़ें देखनी है, करनी है। हम आगे इसको देखते हैं, और कहीं उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी होगा तो आप मुझे इस पर शेयर करेंगे, तो हम वो सारी चीज भी बताएंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, तो हमने देखा कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को समझते हैं। कूलम्स लॉ क्या कह रहा है कि सर जब आपने कोई एक चार्ज Q1 ले लिया, दूसरा चार्ज आपने Q2 ले लिया, तो इनके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे, इस Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं हम F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और जब Q2 के ऊपर लगेगा तो पहले आ जाएगा 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो Q2 को Q1 रिपेल कर रहा होगा, भगा रहा होगा किधर, इधर, कि सर इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, इस डायरेक्शन। वैसे ही Q1 जो चार्ज है उसको Q2 रिपेल कर रहा होगा, तो वो उस पर इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इसका आपको इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड पता लग गया, राइट। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इस डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस डायरेक्शन में रहेगा, और मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों के दोनों सेम रहने वाले हैं,
ये दोनों के दोनों फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये जितने अमाउंट से इसको रिपेल कर रहा होगा ये भी उतने ही अमाउंट से उसको रिपेल कर रहा होगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और उन दोनों की लाइन जॉइनिंग में काम कर रहे होंगे। क्लियर बात? अब वापस थोड़ा सा 11th को रिकॉल करने की कोशिश करो और अब देखो कि क्या इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या। 12th के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से उसमें से क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें कुछ दिखाई दे रही है कि सर कुछ न्यूटन थर्ड लॉ में हमने कुछ ऐसा देखा था कि सर एक्शन रिएक्शन आता था वहां पर मैग्नीट्यूड वाइज भी वो फोर्सेस सेम रहते थे। और एक चीज और लग रही है कि सर ये अलग अलग बॉडीज पे लगता था तो ये सर ये वाला जो फोर्स है वो इस पर लग रहा है इसकी वजह से और इस पर जो लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है। नेट फोर्स क्या रहेगा इसमें? जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। यही चीज हमारे दिमाग में आ गई कि जब नेट फोर्स जीरो होता था तो फिर क्या होता था? नेट फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व। अरे यार F is equal to dP by dt, force zero, इसका मतलब rate of change of momentum will be zero, मतलब momentum नहीं बदलेगा, momentum भी constant है। momentum P is equal to mv, इसी चीज को अगर हम उठाएं तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है जो नीट या जेई मेंस के अंदर यहां से चीजें आ सकती हैं। कैसे भाई? मैं बताता हूं कि लेट से एक q1 चार्ज है, एक है हमारा Q2 चार्ज, ओके, और ये ले लिया आपने 2 kg का, ये ले लिया आपने 4 kg का, और लेट से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका 2 kg मास है, इसका 4 kg मास है, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, एंड दिस Q2 चार्ज, दिस 4 kg ऑफ 4 kg मास इज मूविंग विद एन स्पीड ऑफ 20 m/s। अगर 20 m/s की ये स्पीड से मूव कर रहा है देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ Q1 चार्ज? अब आप समझ रहे हैं कि सर आपने तो इतना कुछ पढ़ाया नहीं है, आपने तो न्यूमेरिकली नहीं करा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जरूरत नहीं है। आपने अगर बेटा 11th के सही से कॉन्सेप्ट्स किए होंगे तो आप में से बहुत से बच्चे इसको कर पा रहे होंगे, इसे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर अभी क्या लग सकता है कि सर दो चार्ज हैं, दो चार्जेस के बीच में सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहते हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तो 2 × v1 इज इक्वल टू 4 × 20। यहां से हमारा v1 आ गया कितना? 40 m/s। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जरूरत थी? ठीक, और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। ठीक कि सर मोमेंटम कंजर्व है जब फोर्स नेट फोर्स जीरो है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, नेट फोर्स जीरो हो तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहता है। समझ रहे बात को? सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रहना पड़ेगा अगर नेट फोर्स जीरो हो तो। यही क्वेश्चन को हम इसके पैरामीटर नहीं बदलते हैं, अगर ये डिस्टेंस वाइज बात कर रहा होता कि सर Q1 चार्ज है 2 kg का, Q2 चार्ज है 4 kg का, ये 20 m डिस्टेंस चलता तो इसको कितना चलना पड़ता है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिस्टेंस, पहले तो स्पीड वाइज बात की थी, अब डिस्टेंस वाइज बात कर रहे हैं, बट कि सर इस पर नेट फोर्स जीरो है तो मैं सेंटर मास का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। सेंटर मास में फिर क्या करते हैं, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। यहाँ पे m1v1 किया था, वहां पर करते हैं m1x1 इज इक्वल टू m2x2, और वहां पर भी डिस्टेंस फिर क्या कितनी आ जाती है? अगर यही सारा करते हैं कि 20 m चलता है तो उसको बेटा चलना पड़ता है 40 m, क्योंकि उसको सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट रखना। ठीक है, तो कूलम्स लॉ की अभी हमने देखा कि सर डायरेक्शन वाइज हम कुछ समझ पा रहे हैं और जो आप फोर्स बता रहे हैं एक्सपेरिमेंटली देखा था कि ये उसको उतना ही डिस्प्लेस कर रहा था, ये भी उसको उतना कर रहा था, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहते हैं। और इसमें क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया उस एक्सपेरिमेंट के अंदर? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो, अब जब इक्वल है तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया F12, तो मैग्नीट्यूड वाइज दिस F12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक बात,
तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, एफ वन टू विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रहती है बेटा के को हटाते हैं तो ऐसा भी आ जाता है, हालांकि हम नॉर्मली यहाँ से ही के की वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं पूरा बता दूँ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जो के है जो हमारा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, इस के की वैल्यू रहती है 9 × 10⁻⁹, और यूनिट रहेगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर गया है, अब इसमें 4 की वैल्यू आप डाल सकते हो, पाई की वैल्यू डाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट को कहेंगे 8.85 × 10⁻¹, और यूनिट वाइज बात करें तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट निकालना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज इसको जानते हो ये मीटर में आएगा, और इसकी भी न्यूटन रहती है, तो ऐसे इसकी चीज आ जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लीजिए आप, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, नोट करो, 8.85, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻¹² × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब आप कहेंगे कि सर हमने दो फोर्सेस के बीच में देख लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया, डायरेक्शन भी देख लिया, सर क्या होगा जब दो से ज्यादा फोर्सेस हो तो? इसकी एक अलग प्रॉपर्टी रहती है, रियल लाइफ में अगर कोई दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन तीसरा कोई आ जाएगा तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच का रिलेशन बिगड़ जाएगा, बट चार्जेस के बीच में ऐसा नहीं होगा। अगर ये क्यू वन है एंड दिस इज क्यू टू, ये इसकी वजह से इस पर जो फोर्स रहेगा वो ये रहेगा, ठीक बात, रिपेल कर रहा है सर, इस ये वाला फोर्स इसको कि सर ये ऐसे रिपेल कर रहा होगा एफ टू वन, ये दो ही रहते तो भी ऐसा रहता। अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाए यहां पर क्यू थ्री, अब क्या रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अभी भी वही की वही रहेंगे, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, इस पर या इस पर नेट चेंज हो जाएगा, क्यों, पहले तो इसी की वजह से आ रहा था कि सर अभी एक और नया चार्ज आ गया क्यू थ्री, तो वो उस पर इस Q1 पर Q3 की वजह से भी कोई फोर्स लगेगा, सिंस दिस इज पॉजिटिव कि सर ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, तो उस पर नेट बदला है, लेकिन दूसरे वाले की वजह से जो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा था, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसको आप बोल देंगे F13। इस पर भी हाँ डेफिनेटली इसकी वजह से आप देखोगे तो इस पर ऐसे लग रहा है, तो नेट बदलता है बट इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से। तो एक तरह से आप जब दो से ज्यादा चार्ज लें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप तो ये सोचो पहले इन दोनों के बीच में किधर डायरेक्शन में लगेगा, उन दोनों को सॉल्व करो, उनका देखो, क्योंकि वो वाला जो फोर्स रहेगा वो किसी और तीसरे की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वाले को फिर हम अलग से ट्रीट करेंगे। और हाँ, याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो बेसिक सी चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी पर भी नेट निकालेंगे, जैसे आप इस पर नेट निकाल रहे होते तो इन दोनों का क्या करेंगे, फिर वेक्टर सम डायरेक्टली ऐड मत कर, ठीक है, वो इनका वेक्टर सम हो जाएगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव होता है Q3 तो फिर आप क्या करते कि सर जो इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा तो फिर इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होता। ठीक है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं हम, नोट कीजिए, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस एट अ डिस्टेंस पर मीटर। अब ऐसे मैं सोचना कि अरे सर आपने तो पैरामीटर ही बहुत कम दिए हैं, मिनिमम पॉसिबल फोर्स पूछ रहे हैं दो चार्जेस के बीच में और डिस्टेंस बता रहे हैं 1 मीटर, उसके अलावा आपने कुछ दिया नहीं है, तो देने की जरूरत नहीं है, सोचो सॉल्व करो, वीडियो रोक सकते हो, सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग लगाने की कोशिश करो, क्या करेंगे भाई, अरे मिनिमम पॉसिबल
फोर्स, तो मिनिमम फोर्स चाहिए दो चार्जेस के बीच में, तो फोर्स चार्ज भी तो मिनिमम होगा, और मिनिमम चार्ज क्या रह सकता है, ई। कि सर मुझे ये तो पता लग गया कि सर ये भी ई है ये भी ई है, और डिस्टेंस आपने दे दी थी सर 1 मीटर, तो इन दोनों के बीच में सर जो फोर्स लगेगा वो के क्यू वन क्यू टू, तो सर वैल्यू रखूंगा क्यू वन क्यू टू की, तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर, और सर डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में है तो ये 1 स्क्वायर, इसका मतलब सर आंसर आया के ई स्क्वायर। ठीक है भाई, हो गया, गेटिंग माय पॉइंट, प्रैक्टिस करनी है। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। मान लिया जाए मैं आपको दूं दैट देर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है ए, और उस पर आपने चार्जेस रख दिए Q1, Q2 और Q3। ठीक बात, उस पर आपने चार्जेस रख दिए Q1, Q2 एंड Q3, और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इस पर नेट फोर्स बताओ। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं इस वीडियो को लाइव बना रहा हूँ, मैं चाहता आपको इसको लाइव भी भेज सकता था, बट उसमें कुछ बच्चों को नेट के इश्यू जाएंगे और ये सुविधा उसमें नहीं मिलेगी। बाई चांस नेट उसमें घूम गया, नेट बंद हो गया, फिर आपका ये वीडियो आगे निकल जाएगा और समझ में नहीं आएगा। अभी आप इसको रिकॉर्डेड मोड में देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके साथ मैच करेंगे, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके पास नोट्स बुक्स वो भी बहुत सारी हैं, बट बेटा ये सारी चीज़ों के पीछे एक प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए, समझ रहे हैं। सब जगह यही पढ़ा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होना है वही होना है, यही होगा, बट उसमें आपकी पर्सनल केयर क्या हो सकती है, कितने डिटरमाइंड वे में आप पढ़ सकते हैं, फिर सिस्टम आपकी कितनी हेल्प कर सकता है। मैं आपको इसके प्रॉपर नोट्स दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी उसे हम रिजॉल्व करेंगे, तब जाके उद्धार होगा, तब जाके सॉल्यूशन होगा। फिजिक्स को सिर्फ थियोरेटिकली समझने से कुछ नहीं होने वाला है, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप ऐसा ही करें। जिस तरीके से पूरे डिटरमाइंड होके आप फिजिकल क्लासेस में पढ़ते थे वैसा ही डेडिकेशन आपको इसमें दिखाना है, तब तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, अदरवाइज आप कंप्लीटली आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। और ये समय जब निकल गया, सोचो लॉकडाउन 1 आध महीने और चल गया, बाद में फिर आपने इस पर ध्यान देने के लिए फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपका स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, कोचिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर सेल्फ स्टडी का उतना टाइम नहीं रहेगा। तो सब जगह से अपना ध्यान हटाओ, एक जगह केंद्रित करो और उसमें लग जाओ, जुट जाओ, समझ रहे हैं बात को, तो डेफिनेटली होगा यार, हम हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए। सॉल्व कर लिया क्या? कैसे करेंगे कि सर इस पर नेट फोर्स, कि सर ये दोनों भी पॉजिटिव थे और एक लाइन में वर्क करते हैं, ये नहीं कि इसको कहीं भी लगा देगा, कि सर दो ये पॉजिटिव है तो ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, ये तो इस चार्ज की वजह से हुआ, और कोई चार्ज बच गया क्या, कि हाँ सर ये दोनों कंसीडर कर ले, एक ये और बच रहा है, ये भी सर पॉजिटिव है तो इसकी वजह से ये इधर होगा। ठीक है, अगर इनका नाम रखें हम तो आप इसे कह सकते हैं दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 एंड दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। हालांकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने वाले, क्यों, क्योंकि उनके सर चार्जर सेम है और उनके बीच की डिस्टेंस सेम है। कैसे, अगर इसको कहूंगा तो मैं के क्यू वन क्यू टू मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये भी क्या है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको एफ कह दूं, इसको भी मैं एफ कह दूं, तो फिर इस पर नेट फोर्स क्या रहेगा, 2F। नो, ये तो डायरेक्टली एलजेब्रिक सम हो गया, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें इनको दो वेक्टर को ऐड कैसे करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जहां पर थीटा क्या होता था, दोनों के बीच का एंगल, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एफ नेट निकालेंगे हम, वो निकलेगा अंडर रूट, अगर मैं मैग्नीट्यूड ही ले लूँ सीधा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F² 2AB और cos 6 t, सॉल्व कर लीजिए, जब इसका
आप सॉल्व कर लोगे, एफ की वैल्यू डाल दोगे, देन योर फाइनल आंसर विल बी रूट थ्री के क्यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। टेंशन क्या रहे हो, कॉस 60 की वैल्यू रखो, साइन 60 कितना, रूट थ्री बाई टू, और कॉस 60 तो सॉल्व करो, दिक्कत लग रही है। अरे यार एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 कितना 1 बाई टू, टू से 2 कट गया तो ये हो गया 3f स्क्वायर और बाहर निकला ये। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा घर से करने के लिए, ठीक है, वो आपको नोट करना है। मान लिया जाए मैं एक स्क्वायर लेता हूं जिसकी साइड ए है, ओके सर, और चार्ज भी हमने बराबर रख दिए क्यू क्यू क्यू, ठीक है। एक और इसके मैं सेंटर पर एक और चार्ज रख देता क्यू, तब नेट फोर्स, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तब इसके सेंटर पर भी चार्ज क्यू होता तो क्या करते, सॉल्व क्या करना है इसमें, डायरेक्ट बताओ जीरो कि सर यह भी रहता तो उतने ही अमाउंट से ये इसको रिपेल करता, उतने अमाउंट से ये जीरो, ये इसको रिपेल करता, ऐसे ये करता, ऐसे ये करता, तो ये तो सर सेंटर पे तो जीरो हो जाता, लेकिन वो अभी मैंने नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इस जगह पर जो ये चार्ज है इस पर नेट फोर्स क्या रहेगा, ठीक, तो इस वाले चार्ज को ये ऐसे रिपेल कर रहा होगा, ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, और जैसे ये पहले हुआ, और एक इसकी वजह से और होगा जो इसको ये ऐसे रिपेल कर रहा होगा। ये आपको हिंट दिया मैंने, आपको सॉल्व करना है, इसका ये वेक्टर सम होगा, आप तीनों को कैसे कर रहे हैं, या दो को करके कर रहे हैं, या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के फिर डायरेक्टली उसका जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा और इसका भी इधर है तो ऐड कर देंगे इसके जरिए, इसको हम अगली क्लास में से डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।